वेलकम टू आवर चैनल आर एस फाइनल डेस्टिनेशन। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी क्लास तीन क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं और अब हमारी जो क्लास चार है उसकी वीडियोस अपलोड हो रही हैं। और इसके साथ ही हमने आपको बताया था कि हम साथ ही आपके समक्ष करंट अफेयर्स जो है वो लेकर उपस्थित होंगे। और आज हम वही उसी कड़ी में करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेकर उपस्थित हैं, जो कि हमने जो इसमें कवर किए हैं वो जनवरी से लेकर जून तक की, यानी मंथ जनवरी से लेकर जून तक की जो आपका करंट अफेयर्स है उस सबको फॉलो किया है, उस सबको कवर किया है और उन्हीं पॉइंट्स को लिया है जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस मेनली पूछे जाते हैं और उन पॉइंट्स पर हम फोकस भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है रैंकिंग्स। रैंकिंग्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स में डिफरेंट डिफरेंट रैंकिंग्स पूछी जाती हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं रैंकिंग्स पर। हम थोड़ा इसको मज़ेदार तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो जिससे कि हमें याद भी रहें, और कहते हैं ना याद करने के लिए कोई भी ट्रिक बनाओ यार चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। इसमें इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो सबसे पहले जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये पूछा जाता है कि इसको जारी कौन करता है। देखिए हर इंडेक्स का जारी करता नहीं पूछा जाता कि हर इंडेक्स को जारी कौन करता है, लेकिन कुछ कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं जिनके जारीकर्ता को पूछा जाता है कि किसने वो रिपोर्ट पब्लिश की। तो जैसे इसमें पूछा जाता है जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है वो उसको किसने जारी किया, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं बिजनेस है, बिजनेस में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है, कौन करता है, वर्ल्ड बैंक। इसमें भी बैंक में क्या आता है, बी, ठीक है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। अब बात आती है इसके रैंकिंग की। तो देखिए बिजनेस में इसको याद रखने का तरीका बनाते हैं कि बिजनेस में हम क्या कर रहे हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, और हम हर देश के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम प्रत्येक देश के साथ साथ चलने की बिजनेस में कोशिश कर रहे हैं जिससे कि हमारा बिजनेस में जो है स्थान नंबर वन पहुँच सके। तो इसमें जो रैंकिंग है भारत की क्या है, 77, यानी हम हर देश के साथ साथ बिजनेस करना चाहते हैं, साथ साथ, यानी कि 77। अच्छा इसमें जो फर्स्ट है वो कौन है, वो है न्यूजीलैंड। ये आपको याद रखना है कि जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है उसमें फर्स्ट है न्यूजीलैंड और हम यानी कि भारत हर देश के साथ साथ काम करना चाहता है, किसमें, बिजनेस में। तो ये आपकी रैंक आ गई भारत की 77। इसके अलावा लास्ट भी इम्पॉर्टेंट है आपके, देखिए रैंकिंग में जो इम्पॉर्टेंट है जो तीन चीज़ें हमें याद रखनी है वो ये कि कौन उसका जारी करता है, किसने उसको पब्लिश किया है फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट नंबर पर कौन है यानी टॉप किसने किया है, और थर्ड इंडिया की क्या रैंक है। और अगर आप चाहें तो लास्ट भी याद रख सकते हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन आपको ये तीन चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए कि आपका पब्लिशर कौन है और इसके अलावा फर्स्ट यानी टॉप किसने किया है और इंडिया की रैंकिंग क्या है। तो इंडिया की रैंकिंग डूइंग बिजनेस में क्या है, 77। और इसमें लास्ट जो है यानी कि बिजनेस करना बहुत ज़्यादा मतलब दुखदाई है, कहाँ पर, सोमालिया में। सोमालिया जैसे कि आप जानते हैं कहाँ की, अफ्रीका की कंट्री है, तो सोमालिया में क्या है, सबसे ज़्यादा दुखदाई है। अब हम बात करते हैं विश्व प्रतिभा रैंकिंग। विश्व प्रतिभा रैंकिंग ये भी पूछा जाता है, देखिए कि इसका पब्लिशर कौन है। तो इसका पब्लिशर जो है, देखिए प्रतिभा पर तीन रैंकिंग आती हैं मेनली, तो लेकिन अभी आज इस वाले इसमें हम देखेंगे अभी फिलहाल विश्व प्रतिभा रैंकिंग और एक है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। दोनों में डिफरेंस है, ये देखिएगा, ये जो है ये है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, ठीक है, ये जो है टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है यानी कि वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। अब देखिए विश्व प्रतिभा रैंकिंग जारी करता कौन है, IMD बिजनेस स्कूल, IMD बिजनेस स्कूल इसको जारी करता है। अब इसकी हम बात करें तो प्रतिभा रैंकिंग, प्रतिभा रैंकिंग मतलब हमारे यहाँ ऐसी प्रतिभा है कि हम क्या करते हैं, जैसे भारत की इसमें जो रैंक है वो है 53, ठीक है, तो हम जो है 5 का 3 बना देते हैं, ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा इंडिया में प्रतिभा है कि हम हर 5 का 3 बना रहे हैं, तो 5 का 3 कर रहे हैं, ठीक है, कि मतलब कोई भी आता है सामने तो हम 5 का 3 कर देते हैं, उसको पता भी नहीं लगता, इतना ज़्यादा टैलेंट है, इतना ज़्यादा जुगाड़ू है इंडिया। तो प्रतिभा रैंकिंग में हमारी जो रैंक है वो कितनी है, 53। यहीं पर हम बात कर सकते हैं प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जो कि यहाँ पर है,
ठीक है, इसमें आप इसको देखो तो प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक, इसमें क्या हो रहा है, प्रतिस्पर्धात्मक ऐड हो रहा है, ठीक है। तो आप प्रतिभा को अगर आप ऐड कर दो, यानी कि 5+3 कितना कर दो आप, 8 हो गया। तो प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में जो भारत की रैंक है वो कितनी है, 80, ठीक है। 5+3 भाई, प्रतिभा इतनी है भारत के अंदर कि वो क्या कर रहा है, हर 5 का 3 कर रहा है, ठीक है। 5 होता है लेकिन बताता 3 है। तो प्रतिभा रैंकिंग में IMD स्कूल बिजनेस स्कूल जारी करता है और भारत जो है वो 5 का 3 कर रहा है, मतलब 53 उसकी रैंकिंग है। इसमें जो नंबर 1 है प्रतिभा में वो स्विट्जरलैंड है। इसको ऐसे अगर से स्विट्जरलैंड क्या है, काफ़ी ठंडा होता है, ठीक है, ठंडा है, लोगों के माइंड बहुत कूल रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्या है, टैलेंट निकल निकल कर आता है। गर्मी तो है नहीं, तो कूल माइंड से आप कोई भी काम करोगे टैलेंट आपका निकल कर आएगा, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड इसमें प्रतिभा रैंकिंग में फर्स्ट है और भारत जो है 5 का 3 बता देता है, 53, और वेनेजुएला इसमें लास्ट है, ठीक है, प्रतिभा रैंकिंग में। अब हम यहीं पर हमने देख लिया वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, इसमें ये वर्ड ऐड हो रहा है प्रतिस्पर्धात्मक, तो प्रतिस्पर्धात्मक ऐड हो रहा है, तो हमने प्रतिभा में क्या कर दिया, जो इसकी रैंकिंग थी 5+3 8 हो गया, तो इसकी रैंकिंग क्या हो गई, भारत की रैंकिंग हो गई इसमें 80। अब इसमें देखिए, इसमें जो फर्स्ट है वो भी यही है स्विट्जरलैंड, वही अगेन कि टैलेंट भी वहाँ अच्छा है क्योंकि कूल रहता है स्विट्जरलैंड, और वहाँ पर जो प्रतिस्पर्धा, जो ऑब्वियसली जब टैलेंट होगा तो जो कंपटीशन होगा वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा। तो स्विट्जरलैंड अगेन यहाँ पर क्या है, नंबर 1 है। तो 3 आपको रैंकिंग पता लग गई, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, विश्व प्रतिभा रैंकिंग और वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। अब हम बात करते हैं विश्व प्रसन्नता सूचकांक, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जैसे आप फर्स्ट नंबर पर आप देखो तो फर्स्ट नंबर पर जैसे हैप्पी, खुश रहना, तो फनी फनी टाइप का, ठीक है, मतलब फिनलैंड क्या है, फर्स्ट नंबर पर फनी फनी जब आप रहते हो तो खुश रहते हो, ठीक है। जैसे कपिल शर्मा है तो वो क्या करते हैं, फनी चीज़ें करते हैं, लोगों को हंसाते हैं, प्रसन्नता लाते हैं, तो फिनलैंड क्या है, फर्स्ट नंबर पर है। भारत क्या है, 140 नंबर पर। आप देखिए इन दोनों को एक साथ याद करिएगा, विश्व प्रसन्नता सूचकांक और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में क्या है, प्रेस को बिल्कुल फ्रीडम नहीं है, ठीक है, कि अगर आप देखो हर मीडिया में अगर चैनल चला के देखो तो हर मीडिया, मतलब ऑलमोस्ट जो है हमें ये लगता है कि बिका हुआ है मीडिया, क्योंकि वो जिस तरह से न्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई इसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए न्यूज़ के लिए मतलब सपोर्ट कर रहे हैं या इस पर्टिकुलर पार्टी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, तो और उतना ज़्यादा हम लोग जो है खुलकर बोल नहीं पाते, वो तो आज ये क्या, ये सोशल मीडिया है जो हम हर चीज़ में हम हर तरीके से वहाँ पर एक्सप्रेस कर पाते हैं। लेकिन प्रेस फ्रीडम में अगर देखें तो इंडिया जो है, इंडिया का पोजीशन बहुत ख़राब है, उसका जो रैंक है वो है 140, और चूंकि प्रेस की फ्रीडम नहीं है तो हम लोग खुश भी उतना नहीं है। तो सेम हो गया, यानी कि जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है और जो प्रसन्नता सूचकांक है उसमें भारत की रैंक क्या हो गई, दोनों की क्या हो गई, 140, दोनों में क्या है, 140, क्योंकि हमारे पास फ्रीडम नहीं है, प्रेस की फ्रीडम नहीं है, तो हम खुश भी नहीं हैं, हम प्रसन्न भी नहीं हैं, तो 140 140। अच्छा, प्रसन्नता में मैंने आपको पहले बताया प्रसन्नता फनी फनी, मतलब फिनलैंड, ठीक है, और जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है वो नॉर्वे का, नॉर्वे उसमें फर्स्ट है, क्योंकि नॉर्वे एक, मतलब आप ज़्यादातर देखेंगे जितने भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे है, फिनलैंड है, ये सभी जो है ऑलमोस्ट सभी मतलब मैक्सिमम सूचकांक में जो मैक्सिमम इंडेक्सेस हैं उसमें नंबर 1 पोजीशन पर रहते हैं। यहाँ पर देखिए फिनलैंड है, तो विश्व जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें नॉर्वे है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका प्रसन्नता सूचकांक में जो सबसे ज़्यादा जो मतलब आपका प्रसन्न कंट्री नहीं है वो दक्षिणी सूडान है। कहाँ पर है, या अफ्रीका में है। अफ्रीका के तो आप ऑलमोस्ट जो देश देखेंगे जैसे उप सहारा अफ्रीका है या अफ्रीका है, जैसे सोमालिया भी आपने देखा था, है ना, सोमालिया भी अफ्रीका का है, ठीक है, और दक्षिणी सूडान भी अफ्रीका का है, तुर्कमेनिस्तान आपका ये मिडिल ईस्ट एशिया का आ गया है, तो ये आपको याद रखने हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं ग्लोबल ट्रस्ट इंडेक्स की। तो ग्लोबल ट्रस्ट का मतलब ये है कि कितना मतलब आप पर, आपका देश जो है, आपके देश पर पूरा विश्व जो है कितना ट्रस्ट करता है। तो जैसे कि हमारी भारत की संस्कृति है, तो भारत की संस्कृति कुछ इस तरीके से है
कि मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग जो है भारत पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी हम चाइना से पीछे हैं। चाइना का अगर हम देखें तो ट्रस्ट इंडेक्स में जो स्थान है वो है नंबर वन, और जो इंडिया का स्थान है वो है थर्ड पोजीशन पर इंडिया आता है ग्लोबल ट्रस्ट के मामले में। तो ये हमने देखा। अब हम बात करते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। देखिए इसमें इसका जारीकर्ता पूछा जाता है। एक तो मैंने बताया डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में पूछा जाता है, किसने जारी किया हमने देखा बिजनेस बी वर्ल्ड बैंक, ठीक है। एक हमने बताया विश्व प्रतिभा रैंकिंग आईएमडी बिजनेस स्कूल। इसके अलावा जो आपका एक ये भी आप याद रखिए, जो ये भी पूछा जाता है कि जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है वो एक एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये RWB जो मैंने लिखा है, यह है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सूचकांक को देती है कि पत्रकार जो है कहाँ पर, या जो हमारी मीडिया है वो कहाँ पर किस किस देश में कितनी ज़्यादा स्वतंत्र है। तो ये रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस सूचकांक को देती है। इसके अलावा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक हम देख रहे थे, तो ये जो है ये इसका जारीकर्ता यानी पब्लिशर भी पूछा जाता है कौन है, TI का मतलब है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यानी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या देती है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। अब भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में अगर हम बात करें तो कौन है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंक है 78। इसका मतलब कि आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि इंडिया इतना ज़्यादा भ्रष्ट है कि वो हर सात गुना, अगर सात होता है तो उसका आठ गुना करना चाहता है, चाहे उसको टेबल के नीचे से करना पड़े या कैसे भी करना पड़े, तो हर सात को वो क्या करना चाहता है, आठ करना चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, चाहे वो उसको कैसे भी करके मिले। तो ये आप याद रख सकते हैं कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में कि हम क्या करते हैं, हर सात को आठ करने की कोशिश करते हैं। तो भारत की रैंक जो है वो क्या है, 78। इसमें देखिए अगेन क्या आ गया, डेनमार्क, जो आपका जो ऊपर की जो वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो ये नॉर्वे, फिनलैंड, ये तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, डेनमार्क भी ऊपर की साइड ही है अगर आप वर्ल्ड मैप में इसको चेक करें तो डेनमार्क जो है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में, इसका मतलब क्या हुआ कि डेनमार्क जो है सबसे ज़्यादा स्वच्छ, मतलब एक तरह से कह सकते हैं स्वच्छ इन द सेंस में भ्रष्टाचार के सेंस में, सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क में है, और सबसे ज़्यादा भ्रष्ट जो है सोमालिया है। अगेन आप देखो सोमालिया, यहाँ पर भी आपका जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है वहाँ पर उनको बिजनेस ही नहीं करने देते, क्यों, क्योंकि इतना ज़्यादा भ्रष्ट है, किसी का बिजनेस सक्सेसफुल होता ही नहीं है, ठीक है, सबके बिजनेस ठप्प पड़ जाते हैं। तो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भी अंतिम था, और जो भ्रष्ट और अंतिम इसलिए था क्योंकि भ्रष्टाचार इतना है, तो सोमालिया जो है सर्वाधिक भ्रष्ट है, और सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार कम है, सबसे कम भ्रष्टाचार जो है डेनमार्क में है, और इंडिया का क्या करता है, इंडिया हर सात नंबर को या सातवां जो भी उसके पास चीज़ है उसको क्या करता है, करना चाहता है आठवां करना चाहता है, यानी उसका आठ गुना करना चाहता है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, मैंने क्या बताया था आपको, 5 का 3, तो 5 + 3 = 8, ठीक है, 8 कर रहा है क्योंकि इसमें प्रतिस्पर्धात्मक ऐड हो रहा है प्रतिभा के कंपैरिजन में। अब हम बात करते हैं बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसको आप बोलते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो बौद्धिक संपदा सूचकांक में जो इंडिया की, देखो सबसे नंबर वन कंट्री जो है वो अमेरिका है, ठीक है, अब इसको याद आप ऐसे रख सकते हो, इसे बौद्धिक संपदा सूचकांक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स एक्चुअली इसमें क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ का अगर पेटेंट लें, या फिर कोई भी चीज़ आप अपने, जैसे आपने उसको ओरिजिनेट किया है या आपका वो आपने उसको इनोवेट किया है, तो आप उसका क्या कर लेते हो, आप उसका पेटेंट ले लेते हो कि ये मेरा है, ठीक है, ये किसी और कॉपीराइट ले लेते हो आप उसका, ठीक है। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, सपोज मैंने या आपने, आपकी कोई ओरिजिनैलिटी चीज़ थी, ठीक है, आप उसका कॉपीराइट लेना चाहते हो और आपने उसका कॉपीराइट ले लिया, तो आपका जो पड़ोसी है वो आपसे क्या करने लगा, जलने लगा, और जलने लगा तो आप में और उसमें क्या हो गया, 36 का आंकड़ा हो गया। तो बौद्धिक संपदा सूचकांक में हमारा यानी भारत का जो स्थान है वो कितना है, 36, ठीक है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में फिर से बता देती हूँ क्या करा, क्या करते हैं इसमें, कॉपीराइट लेते हैं, जैसे आपकी कोई ओरिजिनैलिटी है, आप चाहते हो कि दूसरा उसको ना चुराए, तो आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइजेशन जो इंस्टीट्यूशन है उसके पास जाओगे और उसका कॉपीराइट लेने की कोशिश करोगे। आपने उसका कॉपीराइट ले लिया
तो जो आपका पड़ोसी है वो आपसे चिढ़ गया कि यार इसकी तो ये ओरिजिनैलिटी हो गई, इसको तो आप सब जानने लगेंगे, तो आपका जो पड़ोसी है उसने आपके साथ क्या कर लिया, 36 का आंकड़ा कर लिया। बौद्धिक संपदा सूचकांक में जो नंबर वन कंट्री है वो है अमेरिका, ये आपको याद रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आप ये देखें कि हर चीज़ में मतलब अमेरिका नंबर वन स्टार्टिंग से ही रहा है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में अमेरिका और सोवियत रूस यही एक वो थे, यूएसएसआर जिसको हम बोलते थे, कॉम्पिटिटिव जो वर्ल्ड थे, ठीक है। उसकी हम बात करते हैं उसके बाद ई गवर्नमेंट इंडेक्स की। ई गवर्नमेंट इंडेक्स यूनाइटेड नेशन इसको जारी करता है, इसका ही नहीं पूछा जाता, पूछा इनका जाता है वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट और विश्व प्रतिभा रैंकिंग IMD बिजनेस स्कूल, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अब हम बात कर रहे थे ई गवर्नमेंट इंडेक्स, अगेन देखिए यहाँ पर डेनमार्क आ गया, ठीक है। ई गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो 96 है, क्योंकि अभी क्या हुआ है, हमने यानी भारत में अभी स्टार्ट करा है, हमारे यहाँ ये डिजिटल जो हम जैसे हम हर चीज़ में हम डिजिटलाइजेशन हम ला रहे हैं, डिजिटलीकरण हम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इंडिया के अंदर अभी स्टार्ट हुआ है, नहीं तो पहले क्या था, अभी भी उतना नहीं है, लेकिन हाँ हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो ई गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी भी हमारे सभी ऑफिसेज जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो पेपरलेस नहीं हैं, ठीक है, अभी भी हम वही पेपर्स पर काम करते रहते हैं, हम पूरी तरह से कंप्यूटर पर नहीं आए हैं। तो ई गवर्नमेंट में हमारा जो इंडेक्स है या हमारी जो रैंकिंग है वो काफ़ी पीछे है, कितनी है, 96। आप इसको थोड़ा कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं कि हम अभी ई गवर्नमेंट में नए हैं, ठीक है, हम उतना ज़्यादा डेवलप नहीं किए हैं। डेनमार्क यहाँ पर नंबर वन है। इसके अलावा बात करें ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इसका भी जो पब्लिशर है वो पूछे जाते हैं कौन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, याद रखिएगा W वर्ल्ड, E फॉर इकोनॉमिक, F फॉर फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। एनर्जी ट्रांजिशन में स्वीडन फर्स्ट है और भारत 76 है, स्वीडन इसमें नंबर वन पोजिशन पर आ गया और भारत की जो रैंक है वो कितनी है, 76 ग्लोबल एनर्जी में। अब हम बात करें वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, देखिए अभी हमने बात करी थी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें हमारी रैंक कितनी थी हमने बताया था, जो 140 थी, क्योंकि हमारा जो प्रसन्नता सूचकांक और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दोनों में ही क्या थी, 140। अब चूंकि प्रेस की स्वतंत्रता ही नहीं है, प्रेस की स्वतंत्रता ही इंडिया में नहीं है, तो आर्थिक स्वतंत्रता भी उतना नहीं है, तो हम बस 140 के आसपास ही हम घूम रहे हैं, इसमें भी हमारी है 130, कितनी है, 130, यानी कि किसके आसपास घूम रहे हैं, क्योंकि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जब प्रेस की ही स्वतंत्रता नहीं है तो ऑब्वियसली बात है हम उतना ज़्यादा आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, ठीक है, तो आर्थिक स्वतंत्रता में भी हम 140 के आसपास घूम रहे हैं और हमारी जो रैंक है वो कितनी है, 130। और वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता में हांगकांग जो है वो फर्स्ट नंबर पर है, हांगकांग किस नंबर पर है, आर्थिक स्वतंत्रता में फर्स्ट नंबर पर है। अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, ये भी पूछा जाता है, ये देता है आपका इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, कौन देता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे ये देता है इकोनॉमिक, इसका भी जो पब्लिशर है वो पूछा जाता है, किसका, कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, कि कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे ये बताता है कि कौन सी जगह या कौन सा देश विश्व में रहने के लिए सबसे ज़्यादा सस्ता है या सबसे ज़्यादा महंगा है, कि आपको लिविंग के लिए मतलब रहने के लिए आपकी कॉस्ट किस जगह पर कितनी पड़ रही है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे जारी करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, E फॉर इकोनॉमिक, I फॉर इंटेलिजेंस, U फॉर यूनिट, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। और सबसे ज़्यादा विश्व में जो महंगे शहर हैं रहने के लिए वो है सिंगापुर, आपको पता है सिंगापुर हर किसी के बस की बात नहीं है जाना, क्योंकि वहाँ पर उसका जो फेयर जो चार्जेस है एयरपोर्ट का चार्जेस वो भी बहुत ज़्यादा लगता है, एयरपोर्ट टिकट जो टिकट है टिकट के चार्जेस सबसे ज़्यादा महंगा है, तो सिंगापुर है, हांगकांग है, पेरिस है, सबसे ज़्यादा महंगे हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा सस्ता है वो है वेनेजुएला की राजधानी कराकास, ये क्या है, सबसे ज़्यादा सस्ता है रहने के हिसाब से। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा महंगे शहर हैं रहने के हिसाब से वो हैं बेंगलोर, चेन्नई और दिल्ली,
तो ये क्या है, इंडिया में सबसे ज़्यादा महंगे शहर हैं जहाँ आपको रहना, मतलब बहुत ज़्यादा आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली। ये था आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट देता है। इसके अलावा एक बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग की। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग दी जाती है स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जारी करता। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में भारत की स्थान क्या है, 17। मतलब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं जैसे स्टार्टअप्स क्या होते हैं, कोई भी आप स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस, कोई भी एक छोटी यूनिट स्टार्ट करो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप क्या करना चाहते हो, उसको एक साथ आप स्टार्ट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, एक साथ स्टार्ट। यानी कि भारत की जो रैंक है वो 17 है। अभी हमने बताई थी ई गवर्नमेंट इंडेक्स में कितनी है, ई गवर्नमेंट इंडेक्स में जो रैंक है भारत की 96 है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि ई गवर्नमेंट में 96 है। और जो स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग है, इकोसिस्टम मतलब स्टार्टअप जो हम एक साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, जितने भी स्टार्टअप्स हैं हम चाहते हैं कि हमारे साथ जितने भी लोग हैं वो एक साथ आएं और हम एक स्टार्टअप बनाएं, तो एक साथ मतलब भारत की रैंक कितनी है स्टार्टअप्स में, 17। अमेरिका इसमें फर्स्ट है, अमेरिका में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं इकोसिस्टम। इसके अलावा हम बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, मतलब के पूरे विश्व वैश्विक स्तर पर कहाँ पर नवाचार सबसे ज़्यादा होता है। इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार, के कोई चीज़ आप जो नई बनाते हो उसको आप बोलते हो इनोवेशन। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स देखिए, इसका पब्लिशर पूछा जाता है, एग्जाम्स में आया भी है, ये याद रखिएगा, ये है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हो सकता है दिखना रहा हो आपको, मैं इधर लिख देती हूँ, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी मिलकर किसके साथ, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी वीपो के साथ मिलकर क्या देती है, कौन सी रैंकिंग, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो है 57, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ होते हैं इनोवेशन लेकिन उतने ज़्यादा नहीं जितने कहाँ होते हैं स्विट्ज़रलैंड में, क्योंकि वहाँ प्रतिभा ज़्यादा है, प्रतिभा का प्रतिस्पर्धात्मक मतलब आपके टैलेंट का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हमने देखा था स्विट्ज़रलैंड यहाँ दोनों जगह नंबर वन था, यहाँ पर भी, ठीक है, प्रतिभा में, टैलेंट में भी और टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस में भी। अब चूँकि टैलेंट ज़्यादा है, टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस यानी कि उसकी जो प्रतिस्पर्धा है वो ज़्यादा है, उसमें नंबर वन है, तो इसलिए वहाँ पर क्या होगा, इनोवेशन यानी नई नई चीज़ें जो हैं ज़्यादा ईजाद होंगी। यानी कि स्विट्ज़रलैंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी क्या है, नंबर वन है, इंडिया पीछे है, भारत की रैंक जो है 57 है। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अभी हम एक बार और जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट बी फॉर वर्ल्ड बैंक, साथ साथ हम मिलकर बिजनेस करेंगे, विश्व प्रतिभा रैंकिंग या प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, टैलेंट इतना है कि हम 5 का 3 बताते हैं, ठीक है, भारत के अंदर, तो भारत की रैंक हो गई 53 और 5 + 3 ऐड कर दो तो कितना हो गया, प्रतिस्पर्धात्मक चूंकि ऐड हो रहा है तो 80 रैंक भारत की प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में हो गई। दोनों में ही नंबर वन कौन है, स्विट्ज़रलैंड। प्रसन्नता सूचकांक, फनी चीज़ें जब आप करते हो तो प्रसन्न होते हो, तो फिनलैंड फर्स्ट नंबर पर है। और प्रसन्नता और विश्व प्रेस पर स्वतंत्रता सूचकांक, दोनों में ही प्रेस की स्वतंत्रता उतनी ज़्यादा इंडिया में है नहीं, तो 140 ही प्रसन्नता सूचकांक में है, ठीक है। ये हो गया ग्लोबल ट्रस्ट इंडेक्स, हम तीसरे नंबर पर हैं आफ्टर चाइना। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक कौन देता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और भ्रष्ट हम इतने हैं, हम क्या करते हैं, हम इतने भ्रष्ट हैं कि हम हर 7 गुना को 8 गुना करना चाहते हैं, तो 78 डेनमार्क फर्स्ट। ये हमने देख लिया। बौद्धिक संपदा सूचकांक, अमेरिका नंबर वन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में, और हमारा जो स्थान है वो कितना है, 36, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम जब किसी चीज़ की कॉपीराइट ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं, तो हमारे पड़ोसी हमसे क्या करने लगता है, 36 का आंकड़ा, तो बौद्धिक संपदा सूचकांक 36। ई गवर्नमेंट इंडेक्स क्या है, ई गवर्नमेंट उतना ज़्यादा हमारे यहाँ ई गवर्नेंस नहीं है, तो हम 96 नंबर पर हैं, डेनमार्क फर्स्ट है, ठीक है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, स्वीडन, भारत जो है 76 है। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता, चूंकि प्रेस स्वतंत्रता भी हमारी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो आर्थिक स्वतंत्रता भी हम 140 के आसपास घूमते रहते हैं, तो 130 हो गई। हांगकांग इसमें फर्स्ट है। कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे हमने बता दिया आपको, सिंगापुर, हांगकांग, पेरिस ये सबसे महंगे हैं।
इंडिया के अंदर दिल्ली सॉरी आपका क्या है बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली, ये सबसे ज़्यादा महंगे हैं। और सबसे ज़्यादा सस्ता क्या है, कराकास जो वेनेजुएला की कैपिटल है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे हो गया, स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग, स्टार्टअप मतलब हम एक साथ स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, तो जो भारत की रैंकिंग हो गई वो 17 हो गई। और स्टार्टअप सबसे ज़्यादा कहाँ है, अमेरिका में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, स्विट्ज़रलैंड में, क्योंकि टैलेंट भी ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा है, तो स्विट्ज़रलैंड में होगा। भारत की रैंक है 57। अभी हम देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण रैंकिंग, तो हम बात करते हैं कुछ और इंडेक्सेस की जो एग्ज़ाम्स में लगातार पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि पासपोर्ट इंडेक्स किसका पूछा गया है। तो सबसे पहले, जैसे अगर मान लीजिए पासपोर्ट इंडेक्स ये पूछा गया है कि हेनले के द्वारा जो दिया जाता है या पब्लिश किया जाता है, तो हेनले के द्वारा जो पासपोर्ट इंडेक्स दिया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा जो पावरफुल पासपोर्ट है, जो हेनले ने बताया है, उन्होंने बताया है जापान का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और इंडिया का जो पासपोर्ट है उन्होंने उसको रैंक किया है 81 रैंक दी है इंडिया के पासपोर्ट को, किसने, हेनले पासपोर्ट ने। ये देखिएगा, अगर उन्होंने पूछा है कि ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स जो कि एटन कैपिटल द्वारा पब्लिश किया जाता है, अगर पूछता है हेनले द्वारा तो अलग है, अगर पूछता है एटन कैपिटल ने जो जारी किया है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स, तो उसके अकॉर्डिंग जो नंबर वन है वो है जर्मनी और सिंगापुर, दोनों को ही फर्स्ट पोजिशन दी गई है, जर्मनी और सिंगापुर। और भारत को दिया गया है 67th प्लेस, ठीक है। इसमें जो इंडिया का पासपोर्ट है वो कंपैरेटिवली हेनले के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा पावरफुल बताया है, ठीक है। हेनले ने बताया था 81वें नंबर पर है भारत का पासपोर्ट, और एटन कैपिटल ने बताया है भारत का 67 नंबर पर है। तो ये याद रखिएगा कि जो पासपोर्ट इंडेक्स में पूछ रहा है वो किसके द्वारा पूछ रहा है, हेनले के द्वारा या एटन कैपिटल कंपनी के द्वारा। अब इसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबल प्रतिस्पर्धात्मक इंडेक्स। देखिए, अभी हमने इससे पहले पीछे दो इंडेक्स और पढ़े थे, एक में हमने पढ़ा था प्रतिभा, जो वैश्विक प्रतिभा सूचकांक, और उसके बाद जिसमें हमने बोला था, एक हमने पढ़ा था वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। हमने बोला था कि प्रतिभा इतनी ज़्यादा है कि 5 का 3 कर देते हैं, या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हर 5वें बच्चे में से तीसरा बच्चा जो है उसके अंदर टैलेंट है, ठीक है। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, कैसी भी ट्रिक्स आप बना सकते हैं, तो हर 5वें में से तीसरा बच्चा क्या है, टैलेंटेड है। तो 53 और 5 + 3 = 8 हो रहा था, तो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, जो प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक हो गया था। लेकिन अब तीसरा जो सूचकांक है उन दोनों से अलग है, इसमें भी है क्या ग्लोबल प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। 3 सूचकांक हैं, ये हैं एक जैसे, लगता है एक जैसे हैं, बट लगते ही एक जैसे हैं बट हैं अलग अलग। वो था वैश्विक प्रतिभा सूचकांक, फिर था वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वैश्विक या ग्लोबल प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। इसको दिया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो नंबर वन है वो अमेरिका का, इन्होंने बोला है कि सबसे ज़्यादा टैलेंटेड, जबकि वहाँ पर हमने किसको बोला था, वहाँ पर हमने बोला था टैलेंट में स्विट्ज़रलैंड को, ठीक है, कि वहाँ कूल मौसम रहता है, स्विट्ज़रलैंड है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ग्लोबल प्रतिस्पर्धात्मक, ओवरऑल हम बात कर रहे हैं प्रतिस्पर्धा की, तो वहाँ पर क्या आएगा, अमेरिका, अमेरिका नंबर वन है। और भारत का जो है वो क्या है, 58। देखिए, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे टैलेंट वाला, प्रतिभा वाला देखा था हमने, प्रतिभा वाला हमने क्या बोला, हर 5वें में से तीसरा बच्चा क्या है, टैलेंटेड है, प्रतिभावान है। फिर प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक आया था, जिसमें हमने प्रतिस्पर्धात्मक चूंकि ऐड हो रहा था तो हमने 5 + 3 = 8 कर दिया था, 80 हो गया। अब जो प्रतिभा नहीं है, अब है प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, उसमें हमने क्या करा, 5 इसका स्टार्टिंग का ले लिया, 8 इसका लास्ट का ले लिया, तो क्या हो गया, 58। तो इसकी रैंक क्या है, 58। अब हम बात करते हैं लिंग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये एक रिपोर्ट निकालती है बेसिकली, ठीक है। वो रिपोर्ट ये बताती है कि जो पत्रकार हैं, पत्रकार के लिए सेफेस्ट प्लेस कौन सा है, पत्रकारिता के लिए, ठीक है, कि मतलब वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा सेफ हैं।
तो जैसे अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ये कहता है कि पत्रकारों के लिए जो सबसे ज़्यादा डेडली स्टेट है या डेडली शहर मतलब देश है वो है अफगानिस्तान, और भारत जो है पत्रकार जो पत्रकार हैं उनके लिए 5वें नंबर पर आता है। मतलब भारत में जो पत्रकार हैं वो कितना ज़्यादा मतलब सेफ नहीं है वो 5वें नंबर पर आता है। सबसे ज़्यादा जो है वो अफगानिस्तान है जिसमें पत्रकारों के लिए जो कि सेफ नहीं है। तो अफगानिस्तान और भारत कौन से नंबर पर आता है? 5वें नंबर पर। अब हम बात करते हैं लिंग असमानता सूचकांक की। लिंग असमानता सूचकांक देता कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जेंडर गैप इंडेक्स। इसको आप इंग्लिश में आप बोलते हो जेंडर गैप इंडेक्स। इसमें जो फर्स्ट है वो अगेन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, आइसलैंड, नॉर्वे सारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, आइसलैंड फर्स्ट है, और भारत जो है लिंग असमानता में 108वें नंबर पर है। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें ये वाला, और एक ये पासपोर्ट, और ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तीन एक साथ आ रहे हैं। लिंग असमानता में किस कौन सा नंबर है भारत का? 108वां। और जो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा जो समानता है, ठीक है, वो आइसलैंड में है। मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा लिंग्स के बीच या जेंडर्स के बीच बहुत ज़्यादा असमानता नहीं है। भारत में देखिए आप कितना है, 108 नंबर पर। हमारे यहाँ अभी भी असमानता बनी हुई है। धन प्रेषण यानी कि जो रेमिटेंसेज आते हैं, जिसको इसको हम बोलते हैं रेमिटेंस, मतलब जो बाहर से जो बाहर विदेश में जो इंडियंस रहते हैं वो इंडिया में जो मनी ट्रांसफ़र करते हैं या मनी भेजते हैं उसको हम बोलते हैं रेमिटेंस। तो रेमिटेंस के मामले में जो सबसे ज़्यादा धन आता है बाहर से, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ऑल्दो चाइना की है लेकिन इंडिया के लोग सबसे ज़्यादा बाहर हैं, ठीक है, तो रेमिटेंस जो है उसमें सबसे नंबर वन भारत है। सबसे ज़्यादा जो धन आता है इंडिया के पास वो भारत में आता है, और फिर दूसरे नंबर पर आता है चीन, ठीक है। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी कौन सी है। ये ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स रिपोर्ट है, उसने ये जारी किया है कि दुनिया में या संसार में जो सबसे ज़्यादा ऐसे कौन से शहर हैं जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो बढ़ रहे हैं वो इंडिया के शहर हैं, जैसे कि जिनमें कि आपका हो गया सूरत, सबसे ज़्यादा सूरत बढ़ रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। उसके अलावा है आगरा बढ़ रहा है, और बेंगलुरु थर्ड नंबर पर है। तो सूरत सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, फिर आगरा, और फिर बेंगलुरु। ये हो गया वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। देखिए एक तो होता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, इसको बोलते हैं मानव पूंजी सूचकांक। एक होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। और ठीक है, ये है एक तो है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ये याद रखिएगा जो कैपिटल है, कैपिटल एक तरह से क्या होता है? पूंजी, ठीक है, तो मानव पूंजी सूचकांक। तो पूंजी कौन, पूंजी किसके पास होती है? वर्ल्ड बैंक के पास। तो इसको जो जारी करता है, ये पूछा जाता है, इसलिए मैं यहीं पर आप हमें इसको याद कर लेते हैं कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। जबकि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, तो डेवलपमेंट में क्या आ रहा है? डेवलपमेंट ये कौन करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है UNDP, ठीक है, ये करता है। तो आप ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दोनों के जारी करता याद रखिएगा। अब देखिए कैपिटल इंडेक्स में जो सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे मानव पूंजी सूचकांक में सबसे नंबर वन है सिंगापुर, और भारत का स्थान जो है इसमें है 115। भारत का स्थान क्या है? 115। जबकि अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, इसमें डेवलपमेंट जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट में सबसे नंबर वन है नॉर्वे, और भारत का स्थान है इसमें 130। तो आप ये देखिए कैपिटल में हम फिर भी आगे हैं कैपिटल इंडेक्स में, कि मानव पूंजी सूचकांक में, लेकिन उतना ज़्यादा डेवलपमेंट हमारा नहीं हुआ। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि थोड़ा आसपास के कैपिटल तो है, फिर भी हमारे पास पूंजी है 115, लेकिन डेवलपमेंट हमारा उतना नहीं हुआ है। डेवलपमेंट में हम अभी भी 130 बने हुए हैं। नॉर्वे जो है वो फर्स्ट नंबर पर है, इसमें सिंगापुर है। तो ये दोनों सूचकांक हो गए हमारे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। अब एक आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ठीक है। भुखमरी सूचकांक में अगर हम देखें तो इंडिया, आप ये देखिए सबसे जो
कम जो भूखा देश है, मतलब आप ये कह लो कि जो सबसे कम भुखमरी है वो बेलारूस में है, जबकि भारत का स्थान 119 देशों में 103 नंबर पर है। यानी भारत 119 देशों में 103 पोजीशन रखता है। यानी आप ये देखिए कि इंडिया में कितनी ज़्यादा भुखमरी है। अभी आप जब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीचे देखेंगे तो उसमें भी आप ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो भुखमरी है या जो गरीबी है वो कहाँ पर है, वो इंडिया में है, उसके बाद नाइजीरिया में है। तो आप ये यहाँ बता सकते हैं कि जो भुखमरी इंडेक्स है या ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसमें सबसे कम जो भुखमरी है वो बेलारूस में है, और सबसे मतलब आप ये कह सकते हैं भारत का स्थान जो है वो 103 है 119 देशों में। मतलब आप सोच सकते हैं नीचे से हम बहुत, मतलब नीचे लोअर लेवल पर हैं बहुत ज़्यादा। अब एक है रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इंडेक्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जैसे अभी हमने देखा लिंग असमानता सूचकांक, इसमें हमने देखा लिंग असमानता में कि आइसलैंड में सबसे ज़्यादा, मतलब उतना ज़्यादा समानता नहीं है, वो सबसे ज़्यादा समानता दर्शाता है लिंगों के बीच, और भारत जो है 108वें नंबर पर है। यहीं हमने देखा कि जो यहीं पर आप ये देख सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि इनइक्वलिटी को, यानी कि असमानता को रिड्यूस करने के लिए, उसको कम करने के लिए अगर हम देखें तो ऑब्वियसली बात है जब हमारा असमानता ज़्यादा है तो हमने जो असमानता को कम करा होगा वो भी कम, मतलब उतना ज़्यादा हमारा बेहतर प्रदर्शन नहीं होगा। तो रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो 157 में कितना है, 147। तभी चूँकि हम असमानता को कम ही नहीं कर पाए हैं, जब असमानता को कम नहीं कर पाए हैं तो लिंग असमानता में भी हमारा स्थान 108 नंबर पर बना हुआ है, क्योंकि हमारा जो रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इंडेक्स है वो कितना है, 147। डेनमार्क में क्या है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो असमानता कम की है वो किसने की है, डेनमार्क ने, ठीक है, रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इंडेक्स। उसके अलावा हम बात करते हैं, देखिए एक हमने इससे पहले जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है और बिजनेस को हमें साथ साथ करना है। तो मतलब जो इंडिया की रैंक थी वो थी 77। लेकिन आपको ये याद रखना है, जैसे हमने पासपोर्ट वाले क्वेश्चन में कहा और जो ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स और ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स और ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स तीनों ही अलग हैं, पासपोर्ट वाले हेनले का है या आर्टन कैपिटल का है, दोनों अलग हैं। ऐसे हमने ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स पूछ रहा है या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूछ रहा है, ये दोनों अलग हैं, कन्फ्यूजन वाले हैं, इसलिए मैं एक साथ बोल रही हूँ। ऐसे ही ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस केवल आपसे ये पूछा है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक क्या है, तो आपकी आएगी 77। यदि उसने पूछा है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, यानी कि हमारा बिजनेस को आसानी से हम कर सकते हैं कहाँ पर, बॉर्डर्स के अक्रॉस, ठीक है, तो वहाँ पर उसमें हमारी भारत की रैंक जो है वो है 80। तो ये याद रखना है कि हमसे पूछा किस पे है, ईज़ ऑफ डूइंग पूछा है या फिर बॉर्डर्स के, मतलब आर पार जो हम बिजनेस कर पाते हैं उसमें रैंक पूछिए, तो उसमें रैंक हमारी 80 है, जबकि नॉर्मल ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी 77 है। ये हो गया आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हम देख चुके हैं वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है आपका ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसको जो जारी किया जाता है, ये भी पूछा जाता है जारीकर्ता कौन है, इसके जारीकर्ता हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट काउंसिल और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो इनिशिएटिव है, इन दोनों के द्वारा ये जारी किया जाता है जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। इसमें देखिए हमने अभी पहले बताया जो हंगर था उसमें भी क्या है, इंडिया की रैंक वैसी है, मतलब ज़्यादा है। ऐसे ही भारत में ये बताता है कि भारत में कितने लोग हैं जो गरीबी में हैं, तो आप ये देखो 364 मिलियन लोग जो हैं गरीबी में, और सबसे ज़्यादा हैं, इंडिया की पॉपुलेशन एक तो सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग हैं वो भी इंडिया में ही रहते हैं, 364 मिलियन। उसके बाद नंबर आता है नाइजीरिया का, जहाँ पर है 97 मिलियन। तो जो पॉवर्टी इंडेक्स है, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, वो ये बताता है कि इंडिया में कितनी ज़्यादा गरीबी है, ठीक है। इसके अलावा हमने बात करते हैं लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक की, ये दिया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ये भी पूछा जाता है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स और भी ज़्यादा। तो लॉजिस्टिक जो प्रदर्शन सूचकांक है, इसमें जर्मनी
नंबर वन है और भारत का स्थान है 44, 44वां स्थान है भारत का। इसके अलावा हम बात करें, देखिए यहाँ पर ये वाला आ गया, वैश्विक मानव पूंजी रिपोर्ट। अब देखिए यहाँ तीन जो है वो कंफ्यूजिंग है। पहला ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, कैपिटल वर्ल्ड बैंक के पास होता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है, ठीक है। कैपिटल हमारे पास फिर भी है 115, लेकिन फिर भी उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो हम डेवलपमेंट में, ह्यूमन डेवलपमेंट में कहाँ पर हैं, 130 पर, जो कि हमने देखा था ह्यूमन डेवलपमेंट में कहाँ पर हैं हम, 130 पर। और ह्यूमन डेवलपमेंट है तो UNDP करता है। अब जो तीसरा इंडेक्स इसी से रिलेटेड आता है, मतलब थोड़ा कन्फ्यूजिंग है तीनों, तो इसमें है वो है वैश्विक मानव पूंजी रिपोर्ट, ठीक है। इसमें देखिए ये पूंजी भी आ गया है, वैश्विक लगा हुआ है इसमें, ये तो केवल थी मानव पूंजी रिपोर्ट, ये है ग्लोबल मानव पूंजी रिपोर्ट, ये करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगर केवल आता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स यानी मानव पूंजी सूचकांक तो वो करता है वर्ल्ड बैंक, लेकिन अगर आता है वैश्विक मानव पूंजी रिपोर्ट वो करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो मानव पूंजी सूचकांक में नॉर्वे जो है फर्स्ट नंबर पर है और भारत का स्थान इसमें क्या है 105, भारत का स्थान क्या है 105, जबकि अभी हमने देखा था कि जो कैपिटल इंडेक्स है उसमें 115 था, ठीक है। जो डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें 130 था, क्योंकि उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और हमने देखा जो वैश्विक मानव पूंजी रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दी जाती है, उसमें भारत का स्थान कितना है 105, ठीक है। नॉर्वे यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर है, क्योंकि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज मोस्टली फर्स्ट नंबर पर देखी हमने, नॉर्वे है, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है ये सारी, और फिनलैंड है हैप्पीनेस इंडेक्स में हमने देखा, ठीक है। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट है, दो और बचते हैं इम्पॉर्टेंट, एक तो है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक और एक है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, हो सकता है सबसे नीचे है आपको दिख ना रहा हो, लेकिन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी यानी कि जो जलवायु परिवर्तन सूचकांक है उसमें भारत की रैंक पूछी जाती है। भारत की रैंक कितनी है, भारत की रैंक है 11, भारत की रैंक कितनी है 11 है, किस में, जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है 11, ये याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट है, नीचे हो सकता है आपको दिखना रहा हो। और जो एक इम्पॉर्टेंट है वो है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ये दिखाता है कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियों से जूझ रहा है, ठीक है। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो है उसमें जो सबसे ज़्यादा जो नंबर वन है या जिसमें आपका सबसे ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियां पाई जाती हैं वो है इराक, और भारत इसमें 8वें नंबर पर है, यानी कि भारत भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, आतंकवादी गतिविधियाँ यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो भारत जो है इसमें 8वें नंबर पर है। तो क्लाइमेट चेंज नीचे जो था वो हम मैंने ऊपर बता दिया, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 11, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में इंडिया की रैंक है 8 और इराक है फर्स्ट नंबर पर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रैंकिंग्स थी, इनको इस तरह से बताया गया कि आपको कन्फ्यूजन भी ना हो, दो दो तीन तीन रैंकिंग जो सेम लगती हैं उनको एक साथ लेकर बताया गया है, थोड़ा समझाने की कोशिश की गई है, और उम्मीद है आपको, और आप अपने भी तरीके निकाल सकते हैं, उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और इसके अलावा कुछ और रैंकिंग्स हैं लेकिन वो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हैं, जो इंडिया में जारी की जाती हैं, इंडिया के शहरों के लिए जारी की जाती हैं, तो वो हम आगे लेक्चर्स में लेंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी अगर आपको कमी लगती है तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।